कार नू वो सट लग रही थी साड़ी जानते मूवमेंट की उन्होंने खराब कर ली इस मोर्चे को डिस्टर्ब कर ली लोगों को वह पाने ये सारा कुछ किया गया सरकार वालों मौके का सी एम उसके सामने सिर्फ अरदास से पाठ करने वास्ते जी संगत जा रही है वह नहीं रोकया जा रहा थोड़े दौरान भी यही कहना चाहना एस के एम भी जो साढ़े आपके घर जो अग लगी हुई है असी पहल इनू देवे उस तो बाद हूँ अगली आर्थिक लड़ाई अगली अच्छ असी इतने आम सब गुरद्वारे सारी जथेबंदी इकट्ठी हुई है साडा अज का प्रोग्राम ये भी असी इतों तुर के जरा साफ मोर्चा लग्या हो समर्थन देन पहला भी चलता पाया तो अज असी वड्डी गिणती समर्थन देन आए हैं तो आपकी हाजरी लगाने इतने पहुंचे हैं जिहड़े बंदी सिंघां दी लड़ाई लगातार चल रही है तुहाडे सामने तुसीं कवर कर रहे हो सारे वह साढ़े एक पिंड पिंड की आवाज़ आ एक एक दी वो इत्थे आपकी असी हाजरी ला के आपकी जथेबंदी वालों इन्हां नाल पक्का वायदा करते हैं भी जो भी तुसीं कोई प्रोग्राम दिंदे हो असी उह प्रोग्राम ते फुल चढ़ावांगे ते हमेशा वास्ते कौम ना कटे ते जिहड़े परचे दर्ज होए ने कल वो बंदयां दे भी करे ने जिवें अमर सिंह चहल उत्थे हाजर नहीं सी बहुत सारे बंदयां दे परचे दर्ज कर ले ये कह दिता कि सत खालसा खालिस्तानी जथेबंदियां सी जो मार्च कर रही सी उहदे बारे की कहना देखो पहली गल तां जिहड़ा वह पतारा पुलिस ने किया उही माड़ा सी लाठीचार्ज करने जां पाणी क्योंकि यह शांतमई पहला बैठे आ जां पहला जथे चलते सीगे तां उत्ते की शरारत हुई आ पता करना चाहिए क्योंकि असी दो दिन पहला पहला दिन अपना जथेबंदी नूं मिलिया सी 31 बंदे भेजे सीगे रेशम सिंह की अगवाई दे विच उह गए ने दूजे दिन भी गए आ तीजे दिन इहो जी किहड़ी गल होगी जिहड़ी उहनां नूं मतलब उहनां नूं लगी क्योंकि किते ना किते सरकार नूं उह सट लग रही सी साडी जानते मूवमेंट की उहनूं खराब कर ली इस मोर्चे को डिस्टर्ब कर ली लोगों नूं वहम पाउण लई इह सारा कुछ किया गया सरकार वालों जिहड़े परचे दर्ज किए आ उह भी गलत ने जिते कि मौके का सी एम उसके सामने सिर्फ अरदास से पाठ करने वास्ते जी संगत जा रही है वह नहीं रोकया जा रहा कोई वह मित के 31 बंदे जा रहे हैं एक कह लो भी नुमाइंदगी तौर पर वह बंदे भेज रहे हैं उत्थे अरदास की जा रही है उन्होंने सामने तो उन्होंने एक मूहदे बेड सी यह भी वो इस संगत को रिसीव भी नहीं कर सके उन्होंने मिलने की तो गल दूर की गल है इतों ही उन्होंने लाठीचार्ज किए गए ये बहुत मदभागा आने वाले समय के कोई यहोजा प्रोग्राम के उल्ट जे चलते हैं तो यह उदा ही गल ही मनी जाऊ जिमें कि सेंटर सरकार ने किसान अंदोलन किया इदा ही साड़ी कौम की आवाज़ जिहड़ी शांतमई तरीके उठ रही थी उन्होंने दबाने की कोशिश करके उन्होंने जान के कदर बेदर करने की कोशिश की है ता ही असी अज 10 तरीक का प्रोग्राम रखिया भी वड्डी गिणती ते हाजिर होकर इस मोर्चे को तगड़ा करने की कोशिश की इस मूवमेंट एक गल उभरी है कि कानून का दूहरा मापदंड है एक पास सरसा मुखी बार बार परोल दी जा रही है दूजे पास बंदी सिंह ना परोल दी जा रही है ना सही तरीके केस चलाए जा रहे हैं तुम भी जुनियन वालों महसूस कर रहे हो कि वाकई धक्का हो रहा देखो लंबे तौर पर जो आप 90 का दहाका भी देखिए 84 तो बाद फर्क साढ़े रखा गया साढ़े तो केस पाने लगे साढ़िया जमानत कर लगे साढ़े गुनाह बिना देखे बदोशे सिंह किन्ने मारे वो थोड़े सामने उन्होंने अज तक गिणती नहीं कोई कर सकता जिस इंसान को कर लगे से उन्होंने भी शहीद कर ये दो रुख अपनाए हुए ने अपना समझने की देरी की आ मौके दे विच अपनी पंथ की सरकार भी रही है वह भी इस काम च फेल हुई है ता आपां नूं इस तक पहुँचना पिया मैं थोड़े दौरान ये अपील करना चाहना भी असी गुरसिख नहीं पूरे हैं पर असी ये मानते हैं भी असी ये धर्म नूं मानते हैं असी उन्होंने कार्ज नूं मानते हैं बंदी सिंघां नूं जो साडे वास्ते कीता इत्थे रहण वास्ते कीता सी दे अज कौम इकट्ठी होकर उन्होंने छड़ा भी नहीं सकती कानून के दायरे में रह के भी नहीं छड़ा सकती फिर ये दो मापदंड जो क्वेश्चन किया दिखता ही पिया वो नंगा करना दुनिया सामने नंगा करना अज भी क्योंकि जो बैरीगेड लगे हुए हैं मोहाली वाले पास करते अज फिर वध रोकने की कोशिश की जाएगी जथे को लगता कि प्रशासन भी जान बुझ के परेशान कर रहा मोर्चे को बैरीगेड बिल्कुल रोड से करते मोहाली सरकार सीरियस नहीं लगे जिते कि यह सेंसिटिव मुद्दा से बड़ा एक जायज मुद्दा जिद भी किसी ना एक अनपढ़ बंद भी गल करते हैं भी जी सज़ा 12 साल की हुई है उन्होंने 24 साल हो गए जी 10 साल हुई है उन्होंने 20 साल हो गए वो तो भी बद साल के अपने बंदी सिंह बैठे उम्र ही भोग चुकी है तो उन्होंने भी यह जहांत वर्तना यह अपने कौम से लानत है वैसे प्रधान जी एक सवाल ये कि सियासी लड़ाई से सियासी लड़ाई उस लैवल हूँ नहीं रही सियासी आधार से वो बंद भी रिहा किया जा जिन्हें भी है चाहे नौ तो बिना होर भी ने वे वे जंगा लगती है जितने सियासी लड़ाई लड़ी जाती है जितने मुल्क भी बने ने उदों भी फैसले हुए जो किसान अंदोलन के भी परचे हुए थे वो भी कैंसल हुए हैं तो परचे क्यों नहीं कैंसल किए जाते क्यों नहीं उस पास तुरती क्यों नहीं समझौते वाले पास तुरती क्यों साड़ी कौम इकट्ठी नहीं होंगी एक वड्डा कारण है अज भी यह वड्डा कारण इतने दिख रहा ये थोड़े मैं कह कोई राय नहीं होगा भी सारी कौम को एक मुठ होना चाहिए
किसी नतीजे वाले पास नहीं जाएंगे। कहते हैं एक 20 मार्च में फिर दिल्ली विखे मोर्चा लगाने की प्लैनिंग हो रही है, कुरुक्षेत्र मीटिंग की कुछ प्लैन रहने वाला है? देखो उस एस के एम के मीटिंग फैसला होया, मैं उत्थे गया हाजिर सी, साडे जत्थे बंदे दा बंदा सी, पर मैं थोड़े दौरान भी यही कहना चाहता एस के एम भी जो साढ़े आपके घर जो अग लगी हुई है असी पहल इनू देवे, उस तो बाद हम अगली आर्थिक लड़ाई अगली पी।